अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बोरेलिया बर्गडॉर्फी की बात करेंगे, अनदर इंपॉर्टेंट स्पायरोकीट एंड अनदर इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बेसिकली क्या कराता है, लाइम डिजीज़ क्या कराता है। ये टिक बोर्न डिजीज़ है, इन्होंने टिक्स दिखाए हैं। बेसिकली इन टिक्स के थ्रू आपकी ये जो डिजीज़ है ये इन्फेक्ट होती है, वो इन्फेक्ट होती है ट्रांसमिट होती है सॉरी इन डिजीज़ के थ्रू। जो बर्गडॉर्फी दे आर ट्रांसमिटेड बाई टिक बाइट। और इनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फ्लेक्सिबल मोटाइल स्पायरोकीट्स होते हैं जो बोरेलिया बर्गडॉर्फी है, विच कैन बी विजुलाइज बाय डार्फी माइक्रोस्कोपी एंड बाय जिम्सा एंड सिल्वर स्टेन्स, एंड इट कैन बी ग्रोन इन सर्टन बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया। जो हमने ट्रैपोनी में पढ़ा था वो बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया में ग्रो नहीं कर सकता था। ये जो टिक्स होते हैं, टिक्स की जो निम्फल स्टेज में होती है, निम्फल स्टेज होती है वहाँ पर यूजली ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ को, कम्पेयर टू देर एडल्ट एंड लार्वल स्टेजेस। इसका यही है कि ये जो वाइट लेग माउस होते हैं या जो डियर्स होते हैं उनमें पहले क्या कहते हैं इन्फेक्ट करते हैं, और उसके बाद फिर वो ये टिक्स आपके जो ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में से स्किन को बाइट करते हैं, स्किन के बाइट के थ्रू ये डिजीज़ को इन्फेक्ट करते हैं। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है कि इट इज़ एसोसिएटेड विद स्प्रेड ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बाइट साइट, जहाँ पे वो बाइट करेंगे फिर वहाँ से ही वो एंटर करेंगे, क्योंकि इट स्प्रेड ऑफ द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द बाइट साइट थ्रू द सराउंडिंग स्किन फॉलोड बाई डिसमिनेशन वाया ब्लड टू वेरियस ऑर्गन्स। अब वो कौन सा ऑर्गन हो सकते हैं, हार्ट, जॉइंट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसके कोई एक्सोटॉक्सिन्स नहीं होते, कोई एंजाइम्स नहीं होते, और इस ऑर्गेनिज्म का कोई अदर विजिलेंस फैक्टर नहीं होता। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स को ने तीन स्टेजेस में डिवाइड किया हुआ है, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री। स्टेज वन विच इज़ अर्ली लोकलाइज स्टेज, इसमें जो मोस्ट कॉमन फाइंडिंग है वो है ये वाली फाइंडिंग होती है जिसको हम कहते हैं एरिथमा क्रॉनिकम माइग्रेंस। ये बेसिकली क्या होता है, ये बड़ा सा एरिथमेटस मैकुलर रैश लाइक वो होता है, मैकुलर रैश होता है, जिसकी अपेयरेंस किस तरह होती है, बुल्स आई की तरह इसकी अपेयरेंस होती है। और ये यूजली आफ्टर द टिक बाइट 3 से 30 डेज बाद ये क्या कहते हैं रैश प्रोड्यूस होने लगते हैं, लेकिन जो ये रैश होता है यूजली पेनलेस होता है और नॉन प्रोलिप्टिक होता है, और ये खुद ब खुद ही रिजॉल्व कर जाता है, खुद ब खुद ही अपने आप को ट्रीट कर लेता है। लेकिन रैश के साथ किस तरह के सिम्टम्स हमें मिल सकते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स मिल सकते हैं, जिस तरह फीवर, चिल्स, फटीग, माइल्जिया, हेडेक हो गए। स्टेज टू जो कि अर्ली डिसेमिनेटेड स्टेज होती है, उसमें क्या होता है कि वो यूजली वीक्स और मंथ्स के बाद हमें मिलती है, कि उसमें हमें कार्डिक और न्यूरोलॉजिकल वो मैनिफेस्टेशंस मिलती हैं। कार्डिक मैनिफेस्टेशंस क्या हो सकती है, मायोकार्डाइटिस मिलता है, वेरियस अकॉर्ड जो न्यूरोलॉजिकल होती हैं उसमें हमें एक्यूट मेनिनजाइटिस और मोस्ट इंपॉर्टेंट फेशियल नर्व की पैल्जी, बेल्स पैल्जी हमें मिलती है। कि बायलेटरल फेशियल नर्व पैरालिसिस इज अ हाईली सजेस्टिव ऑफ लाइम डिजीज। फिर जो लास्ट स्टेज होती है जो कि स्टेज थ्री लेट डिसेमिनेटेड स्टेज, उसमें हमें क्या मिलता है, उसकी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फाइंडिंग है वो हमें आर्थराइटिस मिलता है नी के जॉइंट पे, यूजली ऑन द लाइट जॉइंट, नी जॉइंट पे हमें आर्थराइटिस मिलता है। एंड लाइम आर्थराइटिस इज थॉट टू बी ऑटोइम्यून इन ओरिजिन। इसके साथ साथ हमें एनसेफेलोपैथी भी मिल सकती है। इसकी जो लैब डायग्नोसिस है, लैब डायग्नोसिस इसकी क्या है कि ये हम इसको क्या कहते हैं सीरोलॉजिकली डिटेक्ट करते हैं, हम एलिसा के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं आईजीएम और आईजीजी एंटीबॉडीज को, और कन्फर्मेटरी टेस्ट इसका हम वेस्टर्न ब्लॉटिंग के थ्रू करते हैं। और एलिसा में ये देखा गया कि ये जो हम सीरोलॉजिकल टेस्ट करते हैं ये इन्फेक्शन के 2 वीक्स बाद पॉजिटिव आएगा, अगर तो इन्फेक्शन होने के दो वीक्स बाद पॉजिटिव आता है, अगर तो इन्फेक्शन होने के 2 वीक के दरमियान हम ये टेस्ट करेंगे तो इट इज़ यूजली नेगेटिव, क्योंकि जो आईजीएम है वो दे आर टिपिकली डिटेक्टेबल 2 वीक्स आफ्टर इन्फेक्शन एंड दे पीक एट 3 to 6 वीक्स। ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, ट्रीटमेंट के लिए हमें यूजली डॉक्सीसाइक्लिन या अमोक्सिसिलिन दे सकते हैं। अमोक्सिसिलिन जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उनको ज़्यादा दी जाती है, क्योंकि उन पेशेंट्स में और यंग चिल्ड्रन में जो डॉक्सीसाइक्लिन होती है वो यूजली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है, तो अमोक्सिसिलिन ज़्यादा इसके ट्रीटमेंट के लिए दिया जाता है। और जो लेट स्टेज होती है उसको हम सेफ्ट्राइजोन से भी ट्रीट कर सकते हैं। प्रिवेंशन के लिए यही कि हम प्रोटेक्टिव क्लोथिंग वेयर करें और इंसेक्ट रिपेलेंट्स यूज़ करते रहें, और साथ ही है कि ये जो टिक्स हैं ये सिर्फ ये नहीं कि एकदम से आपकी स्किन पे बाइट करके चले डायरेक्टली अंदर चले जाएंगे, उनका स्किन का जो बाइटिंग टाइम होता है कि दे यूजली फीड इन द स्किन फॉर अबाउट 24 to 48 आवर्स। तो ये कि अगर आप ये कहते हैं सही से अपनी स्किन की एग्जामिनेशन कर लें और टिक हमें मिल जाए तो हम टिक को हटा सकते हैं, ये इसके थ्रू भी हम प्रिवेंशन कर सकते हैं। सो दैट वॉज इट, आई होप इसकी समझ में आ गया, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ इज लाइम डिजीज़। एंड थैंक यू।